अपने जहाँ गोरखपुर के हैं दो नाथ, उनकी भी मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति बनाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, इसके अलावा योगी जी को कोई काम न पता है, न वो कर सकते हैं। और कुछ सुनवाई इस दरबार में नहीं है। मुझे याद है कैसे जब मोदी चौके में नवयुवक पेड़ पे चढ़ते, छत पे चढ़ते, हर हर मोदी, घर घर मोदी दे रहे थे, इनको लग रहा था मोदी आया और 20 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर आया, यही सोच रहे थे ना। नवयुवक को मैं नया नारा दे रहा हूं तुमको, हाय मोदी, बाय बाय मोदी। मैं कहूंगा बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। तो उसका बात ही नहीं की। अभी मोदी साहब याद है कुछ दिन पहले मैं टीवी में देखा, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, अपना झोला उठा के चला जाऊंगा। भैया ऐसा फकीर हम सबको बना रहे। दिन में चार बार ड्रेस बदलता, ₹66,000 चार साल में इसके दोनों पे खर्च हो मायने बहुत किए थे। बैंक अकाउंट चेक किया है हाल में, 15 लाख आ गए क्या? बल्कि एक इन्होंने मुद्रा योजना चलाई थी, कहते हमने 30,000 करोड़ नवयुवकों को बांट लिए। आपको किसी मुद्रा योजना में पैसा मिला है? तो भैया कहां गया वो 30,000 करोड़? मान जी की जाति बता रहा है, यहां बैठे बहुत से लोग होंगे किसान, वो मान रहे थे हनुमान जी का। तो भैया हनुमान जी को शेयर कर लो दलितों से, ये दलितों के भी उतना ही खिलाफ है जितना किसानों के खिलाफ है, या अखिलेश के भी उतना ही खिलाफ है जितना किसानों के खिलाफ है। पत्रकार मुझसे पूछते हैं और ये फिर पूछेंगे, गठबंधन हो गया क्या? हो जाएगा, जनता का गठबंधन हो गया है और नेताओं की मजबूरी है, गठबंधन करना पड़ेगा। कार्यकर्ता चाहते हैं, जनता चाहते हैं, हम मोदी का मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए गठबंधन होगा। पर जो गठबंधन के बाहर रहेगा